27th ऑफ नवंबर है और मैं आज मेरा जो एक्स ब्लेड है BS4 वो सर्विस करवाने जा रहा हूँ। आफ्टर ये रेनी सीजन का बाद ये पहला सर्विस है, इसलिए थोड़ा सा खर्चा तो आएगा ही। कुछ चीज़ें मुझको चेंज भी करवाना है, जैसे डिक्स पैड, फ्रंट डिक्स पैड चेंज करवाना है, पीछे चेन को क्लीन करवाना है, और पीछे जो ड्राम ब्रेक है उसका जो अंदर ड्राम है वो भी चेंज करवाना है। तो देखते हैं कितना खर्चा आता है। रिम फिम होता है, उस रिम के अंदर ग्रीस भी करवाना है, तो देखते हैं कितना खर्चा आता है। वैसे मेरा जो होंडा का AMC सर्विस है वो करवा हुआ है, तो उसके चलते मैं सब चीज़ों पर कुछ कुछ जो डिस्काउंट है वो मुझे मिलता है। देखते हैं मेरा क्या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। जो एक पंची फील था ये एक्स ब्लेड का, वो चला गया है और अभी 80-85 की ऊपर चलाने से एक वाइब्रेशन फील होती है डाइनी फुट पैक पर और हैंडल बार पर, ये प्रॉब्लम हो रहा है। और इंजन में एक किट किट सी आवाज़ आ रहा है, किट 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 करके आवाज़ आ रहा है, तो ये भी ठीक करवाना है सर्विसिंग में। आप लोगों को अगर एक्स ब्लेड में ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो ज़रूर शेयर करना, कमेंट सेक्शन में शेयर करना ज़रूर। इसका पुलिंग तो लीनियरी है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जो हायर एंड परफॉर्मेंस है उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ गया है। वैसे मैं 17,000 किलोमीटर तक चलाया है इसको, उसके बाद ये प्रॉब्लम आ रहा है। थोड़ा सा ही प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ें चेंज करवाना है, देखते हैं क्या कुछ होता है। इसके बाद डायरेक्ट आप लोगों के साथ मिलते हैं। जैसे मुझे शोरूम से टाइम मिला था 9:30 और मैं अभी तो 10:30 बज चुका है, थोड़ा सा लेट हो गया। देखते हैं जाकर क्या होता है। वैसे सर्विस सेंटर में आ गए और काम करवाने के बाद आपसे मिलते हैं।
यस्टरडे मैं लौट आया था और बहुत देर हो चुका था, इसलिए वीडियो एंड नहीं कर सका। आज आप लोगों के साथ ये वीडियो एंड करेंगे। तो मेरा जो बाइक है वो 17,120 किलोमीटर्स चला हुआ है और इसके बाद कुछ चीज़ें मुझे चेंज करवाना पड़ा। तो क्या क्या चीज़ चेंज करवाना पड़ा वो आप लोगों को दिखा दे। तो मेरा जो फ्रंट डिस्क पैड था वो चेंज करवाना पड़ा। ये देखिए इसका हालत क्या हो गया था, थोड़ा ही जो ये वाला सेक्शन था वो बचा हुआ था, इसलिए मैं चेंज करवा लिया। ये कुछ चेंज हुआ है, ये न्यू लगाया है। और इसका प्राइस जो पड़ा है वो 360 रुपीस का। और डिक्स पर जो रबर लगा हुआ रहता है, दिखा देते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पर जो ये रबर देख रहे हैं, ये रबर, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो सेक्शन है यहाँ का रबर चेंज करवाना पड़ा। ये 20 या 22 रुपए का आया था, ये चेंज करवा लिया। और इसके बाद ये जो है, ये उन लोगों ने बाकल बोला था, या यहाँ पर लगता था, ये यहाँ पर ये पूरा सेक्शन, ये जो पूरा सेक्शन है डिक्स का यहाँ पर लगता था, तो ये चेंज करवाना पड़ा। यहाँ से ऑयल लीक हो रहा था और ऊपर चेंज करते हुए ये दो स्क्रू जो था ये ख़राब हो गया था, इसलिए ये दो स्क्रू भी चेंज करवाया। तो ये कुछ चेंज करवाना पड़ा और कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। और गाड़ी तो पहले ही जैसा बहुत स्मूथ है, अभी भी चल रहा है स्मूथ। तो ये कुछ ही चेंजेस हुआ है और आप लोग भी चेंज करवा सकते हैं। इसका जो प्राइस है, इसका प्राइस जो है ये थोड़ा ज़्यादा है, ये 350 रुपीज़ का पड़ा, ये मुझे 350 रुपीज़ का पड़ा। तो ये थोड़ा सा प्राइस ही है, तो देख लीजिए आप लोग, ये आप लोगों को अगर चेंज करना पड़ता है तो। तो आज जो वीडियो था वो मैं यहाँ पर ही एंड कर रहा हूँ और इसके बाद जो भी कुछ मैं करवाऊँगा उसका वीडियो भी अपलोड करूँगा। तो तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।